ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे काइजू नंबर 8 का एपिसोड नंबर 9 आ चुका है, जिसका नाम है रेड ऑन टाचिकावा बेस। ओके, अब यहाँ पे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, सेम रात जिस रात को काफ्का ने होशेना को ट्रेनिंग करते हुए देखा था, याद होगा आपको। यहाँ पे होशेना बैठ के यही सोचा होता है कि काइजू नंबर 8 लड़ने में कितना ज्यादा इंसानी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो इंसान से ही लड़ रहा है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें काइजू नंबर 9 की, तो वो अपने आप को एक इंसान में ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना, अपना भेस बदल सकता है। आखिरकार हो क्या रहा है काइजू उसको। दूसरी ओर हमें यहाँ पे काफ्का का सीन दिखाया जाता है, जो कि रात में छत पे होता है। अब ऑब्वियस बात है, उसने होशेना को प्रॉमिस किया था कि वो लड़ाई में मदद करेगा, और होशेना ने भी उससे कहा था कि मैं 1% तो उम्मीद रख ही सकता हूँ तुमसे, तो चिंता मत करो। तो काफ्का ये सोचता है कि उसे होशेना को निराश नहीं करना, और अब उसे सोने जाना चाहिए क्योंकि आराम करना भी जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है आसमान में कुछ टाइप रहा होता है, ऐसा लगता है भाई मीटियोर शावर टाइप होने वाली है यहाँ पे। ओ भाई, एकदम मीटियोर्स की तरह ही आते हैं सारे के सारे काइजूस। अब आपको याद होगा लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कुछ ड्रैगन्स आ रहे थे इधर, और मैं तुमसे छुपाऊं क्या, ये वो ड्रैगन्स ही होते हैं, ठीक है। अब ये मत बोलना स्पॉइलर दे दिया यार भाई तुमने। अब यार यहाँ पे आवाज भी आ रही होती है, देखो ये नीचे जा रहे हैं, ठीक है ना। एनीवे, यहाँ पे ये पूरा हमला सिर्फ और सिर्फ बेस के ऊपर हुआ होता है, बाकी शहर के अंदर कोई भी काइजू नहीं होता, तो चिंता वाली कोई बात नहीं होती है, ठीक है। ऑपरेशन रूम में कॉन्टेक्ट करता है होशेना, और उसे बताया जाता है कि हवा में से हमला किया गया हमारे ऊपर, और इनका जो एस्टिमेटेड फोर्टिट्यूड है वो 6.1 से लेके 6.5 और ऐसे बढ़ता जा रहा है। ये सारे के सारे काइजूज तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे कैप्टन आशिरो नहीं होती, तो होशेना ही होगा जो ऑर्डर्स देगा सबको, ठीक है ना। जो ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स होते हैं उनको भी बुला लिया जाता है, यहाँ पे जो ऑफिसर्स मौजूद होते हैं उनको भी लड़ने के लिए आगे भेजा जाता है, ठीक है ना। होशेना ये सोचता है कि हमें शहर में से कोई खबर नहीं आ रही, इसका तो ये है कि ये लोग जानबूझ के इस बेस के ऊपर हमला कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी ओर हमें यहाँ पे काफ्का का सीन दिखाया जाता है, वो समझ जाता है कि ये विवर्न टाइप के काइजूज है। अब यार विवर्न क्या होता है मैं देखता हूँ, रुको। पंखों वाला दो पैर वाला ड्रैगन जिसकी बाब टेल है, मतलब यार तुम वही समझ जाओ ड्रैगन टाइप है, ठीक है ना। तो इसमें कोई सोचने वाली ज्यादा बात नहीं है। एनीवे, काफ्का को ये देख के समझ आ जाता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसको यहाँ से जाना होगा। लेकिन उसको एक चीज क्लिक करती है कि ये ड्रैगन टाइप काइजूस है, तो कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। वो इमीडिएटली यहाँ पे होशेना से कॉन्टेक्ट करता है। काफ्का होशेना को बताता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हमें हर साल तकरीबन 1 दर्जन ही ड्रैगन टाइप के काइजू देखने को मिलते हैं, और हर बार एक ही चीज कॉमन होती है कि ये लोग हमेशा अकेले अटैक करते हैं, लेकिन इस बार ये लोग ग्रुप में आए हैं। तो होशेना कहता है हाँ, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि इनसे भी कोई ताकतवर है जिसने इनके स्वाभिमान को हरा दिया। और ऑब्वियस बात है, ये बोलते बोलते यहाँ पे सामने वो बंदा यानी कि काइजू आ जाता है, जो कि इतना ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, जिसका माइंड में एक गोल होता है, एक प्लान होता है, जो कि यहाँ पे फाइनली आ चुका होता है एक काफी खतरनाक लीडर, ठीक है। ये आते साथ ये पूछते हैं कि क्या तुम इस बेस के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान हो, तो ये लोग थोड़ा डर जाते हैं देख के कि ये बोल सकता है। तो होशेना कहता है वैसे देखा जाए तो कैप्टन तो इधर नहीं है, तो ये काइजू यही कहता है ठीक है फिर अभी के लिए तुम ही शिकार बनोगे। फिर यहाँ पे इस होंजो की जो एनालिसिस होती है वो कंप्लीट हो जाती है, और इनको पता चल जाता है कि एक डाय काइजू क्लास का है और 8.3 मैग्नीट्यूड है इसका, सॉरी फोर्टिट्यूड। यहाँ पे होशेना बाकी टीम्स को कहता है कि तुम योजू से निपटो, और तभी यहाँ पे ये काइजू अटैक कर देता है होशेना के ऊपर। होशेना बाल वाले से अटैक से बचता है, और वो छूटते साथ इधर खुद भी आ जाता है और कहता है कि वैसे तुम मेरे अटैक को डॉच कर पाए तो तुम पास हो गए, लेकिन इस अटैक को भी यहाँ पे होशेना डॉच कर देता है इजिली, और होशेना कहता है कि मैं इसको संभालूंगा। यहाँ पे ये काइजू बहुत तेज चीखने लग जाता है, और काइंड ऑफ ये बाकी सारे ड्रैगन्स को कंट्रोल टाइप करता है, ठीक है, और वो सब भी चीखने लग जाते हैं। यहाँ पे होशेना इसके अटैक को देख के समझ जाता है कि इसके पंचेज ही एकदम उल्कापिंड यानी कि मीटियर स्ट्राइक की तरह है, और भाई एक भी लगाना तो मर जाएगा होशेना, उसको पता है ये बात, ठीक है। इवन वो जब यहाँ पे इस डाय काइजू के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तो वो समझ जाता है कि इसकी स्किन काइजू नंबर 8 से ज्यादा टफ है, ठीक है। वह दूसरी ओर बाकी सारी टीम्स भी इन ड्रैगन्स के ऊपर हमला कर रही होती है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। तभी काफ्का इन सबके सबको इन्फॉर्म करता है कि इन लोगों को उन ड्रैगन्स के पीठ पे वार करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि जो उनका आगे का हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा सख्त होता है, लेकिन उनके पीछे के हिस्से की स्किन काफी ज्यादा पतली होती है, जिससे कि वो आसानी से उड़ पाए और उनका वेट कम हो, ठीक है ना। यहाँ पे इचिकावा कहता है कि मैं तो आपसे कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहा था, मेरे को पता नहीं चल रहा था कि आप कहाँ पे है। तो काफ्का कहता है मुझे माफ करना, मैं वाइस कैप्टन से बात कर रहा था, ठीक है ना। दूसरी ओर हमें यहाँ पे हारोइची और आओई का सीन दिखाया जाता है, जो कि इस इन्फॉर्मेशन को कॉपी करते हैं और आगे बढ़ते हैं इस काइजू के ऊपर अटैक करने के लिए, ठीक है ना। अब आओई यहाँ पे ध्यान बटाता है, और हारोइची जब पीछे से इस ड्रैगन के ऊपर अटैक करने के लिए आ ही जाता है, तभी दूसरा ड्रैगन आकर उसको कवर कर लेता है। भाई इसका तो ये है कि सारे के सारे ड्रैगन साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और इनको पता है कि वीकनेस क्या है, ठीक है ना। तो ये सबके सब लोग रिपोर्ट करते हैं, और काफ्का समझ जाता है
कि यार किसी भी काइजू को इस तरीके से नहीं हराया जा सकता है, ठीक है ना, तो अब ये लोग करेंगे क्या। तभी यहाँ पे भाई किकोरू आ जाती है और भाई क्या कमाल की एंट्री मारती है वो। इसके पास यहाँ पे एक नया हथियार होता है और इस हथियार से वो यही कहती आते आते कि अगर ऐसा पीछे से हम अटैक नहीं कर सकते तो आगे से ही इसका आर्मर तोड़ दूंगी मैं। और भाई वो आसानी से सच में इसका आर्मर तोड़ देती है यार। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो मिली होती है होशिना और मीना से। भले यहाँ पे पर्सनलाइज वेपन सिर्फ कैप्टन को दिए जाते हैं लेकिन यहाँ पे ये लोग एक एक्सेप्शन बनाते हैं और शिनोमिया को एक वेपन देने के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना, क्योंकि लगातार काइजूस की संख्या बढ़ती जा रही है और इस साल तो अलग अलग फोर्टिट्यूड के काइजूस आ रहे हैं। तो मीना कंसिडर करती है शिनोमिया को अपने मेन फोर्स में, ठीक है ना, और कहती है कि अब तुम पूरे फोर्स की तीसरी सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान हो इस खतरनाक वेपन के साथ। भले ये एक प्रोटोटाइप होता है लेकिन भाई किकोरू इसके साथ भाई बवाल मचा रही होती है। वो कहती है कि भले ये मेरे स्टाइल को मैच नहीं करता लेकिन सच में उसके स्टाइल को मैच कर रहा होता है, ठीक है ना। वो यहाँ पे वाट लगा के रखती है इन सारे के सारे काइजूस की और मैं भाई देख के ना एकदम शौक ही हो गया। मेरे को ऐसा लग रहा था भाई मसीहा आ गया हमारा। वो यहाँ पे काफी अलग अलग अटैक्स करती है और अकेले ही कम से कम दो काइजूस को तो निपटाई देती है। यहाँ पे ऊपर से एक काइजू आ रहा होता है तो इचिकावा अपने फ्रीज राउंड से इस वाले काइजू की वाट लगा देता है और शिनोमिया ये देख के इंप्रेस होती है कि इचिकावा इतने खतरनाक काइजू से भी इतने आसानी से लड़ पा रहा है, ठीक है ना। भले एंड में यहाँ पे किकोरू ही इसको खत्म करती है। दूसरी बार हमें यहाँ पे आओई और हारोइची का सीन दिखाया जाता है। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वो सारा क्रेडिट तो शिनोमिया को नहीं दे सकते ना, तो ये लोग यही कहते हैं कि जब शिनोमिया बाकी सारे ड्रैगन्स को डिस्ट्रैक्ट कर रही होगी तब हम उन ड्रैगन्स के पीछे से हमला करेंगे, ठीक है। दूसरी बार यहाँ पे हमें होशिना का सीन दिखाया जाता है जिसका सामना इस काइजू से हो रहा होता है और भाई ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक अटैक्स कर रहा होता है। और इतना ही नहीं, इसको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है लड़ने में। होशिना समझ जाता है कि यार ये एक ऐसे इमोशन है जो कि किसी भी काइजू के अंदर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वो ट्रेनिंग ग्राउंड का दरवाजा खुलवा देता है और खुद ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर आ जाता है जिससे कि मिनिमल डैमेज हो। लेकिन यहाँ पे ये काइजू ये गेट ही तोड़ देता है। वो कहता है भाई बेफालतू में खुलवाया क्या गेट, तुम्हें पता भी है कितना महंगा आता है ये गेट। तो ये काइजू ये कहता है कि मैं इतने सारे काइजू से लड़ चुका हूँ और वो तुम्हारी तरह नहीं लड़ सकते, कुछ तो बात है तुम्हारे अंदर। अब बस मैं इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से तुम्हें हराऊं और खा जाऊं जिससे कि मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊं। यहाँ पे ये काइजू एक ही पंच में होशिना को उड़ा देते हैं लेकिन साथ ही साथ वो इस काइजू का एक हाथ भी काट देता है। भाई सच में काफी खतरनाक है होशिना। वो ये कहता है कि अब हम फॉर्मेलिटीज नहीं करने वाले, अब हम फाइनली जब ट्रेनिंग ग्राउंड में आ ही गए हैं तो मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकता हूँ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। तो यहाँ पे भाई उसकी अनलीश हो चुकी होती है कॉम्बैट पावर 92% और भाई अब होता है सीरियस होशिना। मतलब यहाँ पे मैं किकोरू का ही सोच रहा था और होशिना तो मतलब अभी तुम देखना, बस तुम देखना। दूसरी बार यहाँ पे हमें एक बंदी का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है मीना से और उसकी वाट लग चुकी होती है। उसके ऊपर ये काइजू हमला करने वाला होता है। काफ्का को पता चल जाता है कि वो टाइम पे नहीं पहुंचेगा उसके पास, तो वो अपने पैरों को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और बहुत तेजी से यहाँ पे मीनासे को बचा लेता है। मीनासे कहती है फाइनली अब तो अपनी सूट की पावर का इस्तेमाल करना सीख गए, क्यों है ना। तो काफ्का कहता है अरे हाँ यार अब मैं फुल ऑफिसर बन चुका हूँ तो पता ही है ये बात। तभी ये ड्रैगन अटैक करने वाला होता है और किकोरू आसानी से इस ड्रैगन की वाट लगा कर रख देती है। इचिकावा भी फाइनली यहाँ पे आ चुका होता है। मुझे लग ही रहा था यार यहाँ पे मतलब क्या करेगा काफ्का कहीं वो ट्रांसफॉर्म ना हो जाए, लेकिन इचिकावा इस बार ध्यान रखेगा कि काफ्का को ट्रांसफॉर्म ना होना पड़े, ठीक है। किकोरू यही कहती है कि मैं और इचिकावा इन सबको भटकाएंगे और तुम लोग घायल लोगों को यहाँ से बाहर लेके जाओ। तो काफ्का और मीनासे दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं, ठीक है। इचिकावा यहाँ पे जाने से पहले काफ्का से यही कहते हैं कि प्लीज इस बार कोई रिस्क मत लेना, अब आप फुल ऑफिसर बन चुके हैं, ठीक है ना, तो अपने बाकी कॉम्रेड्स के ऊपर भरोसा रखना। ये लाइन तो अटैक ऑन टाइटन की लग रही है मेरे को। ये तो वही वाला सीन है ना, मतलब यार जंगल वाला जब एनी पीछे पड़ी होती है। अब यार मैं अटैक ऑन टाइटन क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि यार कनेक्ट हो गया बस, सॉरी। हमें दिखाया जाता है कि कितने कमाल तरीके से यहाँ पे इचिकावा और शिनोमिया लड़ रहे होते हैं। दूसरी बार यहाँ पे बाकी प्लेटून्स भी आ चुके होते हैं, ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स भी आ चुके होते हैं, सीनियर ऑफिसर्स आ चुके होते हैं। तो काफ्का ये सब देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि कैसे ये लोग अकेले नहीं है यहाँ पे। शिनोमिया और इचिकावा तो है ही कमाल के, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे बाकी ऑफिसर्स भी कमाल के हैं। यही है थर्ड डिवीजन। होशिना यहाँ पे इस काइजू से कहता है कि तुमने गलत बंदों से पंगा ले लिया है और ये लड़ाई हम ही जीतेंगे। अब यार ये जो आर्मर टाइप होता है इस काइजू का, इसके बीच में कुछ गैप्स होते हैं और इन गैप्स को पहचान के होशिना इन्हीं के ऊपर अटैक कर रहा होता है जिस वजह से वो आसानी से इसको घायल कर पाता है। तो ये काइजू समझ जाते हैं इन अटैक्स को और वो कहता है मुझे पता चल चुका है कि तुम कहाँ अटैक करने वाले हो, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना होता है होशिना का। और वो सच बता रहा हूँ मैं काफी खतरनाक अटैक्स करता है इस काइजू के ऊपर, इसकी वाट लगा कर रख देता है भाई, इसके चिथड़े उड़ा देता है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे ये काइजू आसानी से हील हो जाता है, पूरी तरह से रीजनरेट कर लेता है अपने पार्ट्स को, ठीक है ना। यहाँ पे इस काइजू को बहुत मजा आ रहा होता है। ये यही कहता है कि एक ऐसी हेड ऑन बैटल एक ऐसे बंदे के साथ जिसकी ताकत बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो, कितनी कमाल की बात है ये। हम दुश्मन है। यहाँ पे भाई होशिना भी अपने काफी कमाल के स्किल्स दिखा रहा होता है, इवन वो इस काइजू का कोर भी एक्सपोज कर देता है। यहाँ पे वो फाइनली आगे बढ़ता है इसका कोर खत्म करने के लिए, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ये काइजू यहाँ पे कट जाता है पूरा, बीच में से 6 पीस हो चुके होते हैं तकरीबन, है कि नहीं। लेकिन तभी यहाँ पे हेडक्वार्टर्स में ये लोग देखते हैं कि इसका जो सीन है ना कुछ बदलने लग जाता है।
यहाँ पे कुछ सेंस होता है काफका को, जबकि वो अपनी काइजू फॉर्म में नहीं होता तब भी यहाँ पे उसको सेंसेशन आती है। तो सोचो कितना खतरनाक होगा यार वो काइजू। हमें दिखाया जाता है कि ये काइजू यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है, काफी बड़ा हो जाता है ये। और होशिना ये कहता है कि इसके कोर ने अपनी जगह एकदम से बदल ली थी तो मैं उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। यहाँ पे ये काइजू अपने अंदर से अल्ट्रा हाई स्टीम निकालने लग जाता है, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर की होती है। और होशिना ये सोचता है कि अच्छा वो इसको ट्रेनिंग ग्राउंड में लेके आया। हमें बताया जाता है कि इसकी हीट ही नहीं, इसका फोर्टिट्यूड लेवल भी बढ़ के 9 हो चुका होता है, 9.0, ठीक है ना। तो यार सच में ये काफी ज्यादा खतरनाक बन चुका होता है और सही मायने में एक गॉडज़िला बन गया होता है भाई ये, और काफी खतरनाक भी लग रहा होता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अब मैंने यार ये एपिसोड अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो, सारे के सारे फाइट सीन्स देख सकते हो, काफी कमाल की फाइट्स थी आज तो सच में यार, मजा आ गया ये एपिसोड देख के। हाँ मुझे पता है मैंने आज रात में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि यार डिक्लाइन हो रहा है चैनल की ना वाट लग रही है कसम से, और मैंने लास्ट वीडियो में बोला भी था गिव अप करने के बारे में। यार सच बता रहा हूँ ग्राफ ना नीचे जा रहा है, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं वीडियोस भी डाल रहा हूँ टाइम पे, उसके बाद भी ये सब हो रहा है ना, तो मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूँ, मेरे को सच में बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा है इस टाइम पे अब। लेकिन यार देखा जाएगा जो होगा, अभी के लिए हम ये वीडियो खत्म कर लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।